दोस्तों मैं कुछ दिन से यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A22 5G। अभी इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं ये बात आप सब जानते हैं। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मुझे ये फ़ोन यूज़ करके कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी, सब मैंने आपको बताया है। तो चलिए बात करते हैं 7 मेजर पॉइंट्स के बारे में, और मैं इस फ़ोन का गिव अवे भी करने वाला हूँ। जीतने के लिए आपको 3 सिंपल स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। एक तो कर दो वीडियो को लाइक, दूसरा कर दो चैनल को सब्सक्राइब, तीसरा कर दीजिए एक कमेंट। कमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं इस फोन के बारे में जो आपका दिल करे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट पॉइंट तो देखो दोस्तों 5G ही है। मुझे जहाँ तक याद आ रहे हैं अभी तक मेरे अकॉर्डिंग ये इकलौता फोन है under 20,000 जहाँ पर आपको 11 5G बैंड्स मिल रहे हैं। तो इस बात की तो गारंटी है इंडिया में 5G आते ही आप इस फोन में आराम से यूज कर पाएंगे। कोई भी बैंड आए कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके पास पूरा पिटारा है 5G बैंड्स का। खाली यहाँ पर इंडिया की बात नहीं है, अगर आप इंडिया के बाहर भी ट्रैवल करते रहते हैं तो 5G बैंड्स को लेकर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में जो कि है इस फोन की परफॉर्मेंस। ये बात यहाँ पर अच्छी है कि परफॉर्मेंस को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज इस फोन में नहीं किया गया। मुझे डे टू डे यूज में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आई है, सारी एप्स में आराम से इस फोन में यूज कर पा रहा था। साथ में गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसकी काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो यहाँ पर दोस्तों काफी सही की गई है। गेमिंग के टाइम पे मैंने यहाँ पर कोई हीटिंग इशू फेस नहीं किया, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। मैं जानता हूँ आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये प्रोसेसर under 15,000 अवेलेबल है, तो जी हाँ मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ ये आती है कि जो उनका यूजर इंटरफेस है 1UI के लेवल का वो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर एड्स का पंगा, ब्लॉटवेयर, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। मेन बात है एड्स का पंगा जो कि आपको 1UI में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला। साथ में 1UI प्लस डायमेंसिटी 700 ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ये कमाल का कॉम्बिनेशन बन चुका है इस टाइम पे ऑप्टिमाइजेशन के मामले में। एक बात हो रहा है, अगर अभी आप देखते हैं तो under 20,000 स्नैपड्रैगन 732G बहुत ही पॉपुलर प्रोसेसर हो चुका है। अगर हम उससे कंपेयर करते हैं इसको तो ये एक कदम आगे निकल के जा रहा है बेंचमार्क स्कोर्स में भी और डे टू डे यूज में भी। अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पावर भी ये कम कंज्यूम कर रहा है, तो बैटरी बैकअप यहाँ पर मस्त मिल जाता है। और यही है हमारा थर्ड पॉइंट। बैटरी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पर 5000mAh की बैटरी है और मुझे यहाँ पर 1.5 दिन का बैकअप आराम से मिला है इस फोन के साथ। बाकी आपके यूजर्स पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर कितना बैकअप मिलेगा। और चार्जिंग यहाँ पर है 15W की। इसको फुल चार्ज होने में टाइम लगता है लगभग 2 hours 15 minutes के आसपास का। यहाँ मैं कहूँगा 25W की चार्जिंग होती तब मज़ा आ जाता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस फोन की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। देखो मैंने ये फोन बिना बैकअप के यूज़ किया है, मुझे ये यूज़ करने का मज़ा आ गया। इसके डिज़ाइन को लेकर दो बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। एक तो इसका डिज़ाइन बैक साइड से बहुत ही मस्त लगता है, मैट फिनिशिंग दी गई है, फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। वैसे ये पॉलीकार्बोनेट है लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और कोई स्क्रैचेस यहाँ पर अभी तक तो नहीं आए हैं। बैक के बाद अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिटी वी शेप वाला डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसको वाटरड्रॉप नॉच भी बोल सकते हैं। यही है हमारी दूसरी बात, इसका जो डिज़ाइन है अगर ये पंच होल डिस्प्ले होता फ्रंट साइड से तो ये बहुत ही मॉडर्न लगता दिखने में। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर साइड में है जो कि मुझे बहुत ही फास्ट लगा, टैप करते ही फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। हमारा फिफ्थ पॉइंट है इस फोन का डिस्प्ले। यहाँ पर 6.6 इंच का फुल HD प्लस वाला TFT पैनल आपको मिल रहा है। कलर रिप्रोडक्शन इसका मुझे अच्छा लगा, ये आप देख ही सकते हैं। जो TFT कुछ साल पहले आते थे ये वैसा नहीं है, उससे ये काफ़ी आगे निकल चुका है। हाँ ये बात है कि जो TFT के व्यूइंग एंगल्स रहते हैं वो IPS या फिर AMOLED की तरह नहीं होते, उनसे थोड़े अलग होते हैं। और सैमसंग की मेन USP AMOLED डिस्प्ले है, तो यहाँ पर हमें अगर AMOLED डिस्प्ले मिलता तब दोस्तों मैं कह सकता हूँ मज़ा आ जाता। यहाँ पर अच्छी बात ये लगी है मुझे 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको दे रखा है और ये परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहा है। आप इसकी स्मूथनेस को खुद फील कर पाएंगे जब भी आप कुछ काम करेंगे इस फोन में। इसका जो प्रोसेसर है वो आराम से 90Hz को हैंडल कर रहा है, कोई भी मैंने यहाँ पर लैग वगैरह नोटिस नहीं किया। सिक्स पॉइंट है इस फोन का कैमरा। यहाँ पर रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48+5+2 MP। ये कैमरा सैंपल्स आपके सामने हैं। रियर में जो प्राइमरी कैमरा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डायनेमिक रेंज, कलर, सब कुछ यहाँ पर मस्त है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी जो फ्रंट कैमरा यहाँ पर है वो है 8MP का, ये सैंपल भी आपके सामने है। यहाँ भी आप देखेंगे स्किन टोन ये बहुत ही अच्छी कैप्चर कर रहा है और डायनेमिक रेंज को लेकर आपको फ्रंट कैमरा से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस लाइट अच्छी होनी चाहिए, फ्रंट कैमरा इस फोन का ठीक परफॉर्म करेगा। हाँ अगर आप काफ़ी कम लाइट में फोटो कैप्चर करेंगे तब आपको थोड़े ग्रेन्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं 7th पॉइंट के बारे में जो कि है कनेक्टिविटी। देखो यहाँ पर कॉल क्वालिटी को लेकर मैंने कोई इशू फेस नहीं किया, एयरपीस भी इसका काफ़ी लाउड और क्लियर है।
नेटवर्क स्ट्रेंथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फ़ोन के, और कैरियर एग्रीगेशन भी इसमें आपको मिल जाता है और वो भी बहुत स्टेबल मुझे लगा। अगर आपके एरिया में 4G प्लस का नेटवर्क आता है तो आपको 4G की स्पीड यहाँ पर टॉप क्लास की मिल जाएगी। ड्यूअल बैंड वाईफाई का भी ऑप्शन है 2.4 GHz एंड 5 GHz, तो वाईफाई की स्पीड भी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। बाकी 5G तो है ही 11 बैंड के साथ। अगर हम इसके स्पीकर की बात करते हैं तो सिंगल स्पीकर है नीचे की साइड, और सिंगल स्पीकर के हिसाब से इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी सही लगी है, लाउड है क्लियर है। मैं आपको सुनाता हूँ कोई सॉन्ग। ज़्यादा नहीं सुना सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। तो ऑडियो क्वालिटी इसकी मस्त है, मज़ा आएगा आपको यहाँ पर म्यूजिक सुनने का या फिर कोई भी कंटेंट देखने का। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस सैमसंग गैलेक्सी A22 5G के साथ। क्या मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, क्या कमी लगी है, सब मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।